हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट प्यारी दोस्त रिचा शर्मा। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता लेकर आई हूँ जो मुझसे बड़ी वाली सिस्टर है उसके द्वारा रचित है। मैं पहले भी उनकी एक दो रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ। फ्रेंड, ये कविता बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि वो सांस्कृतिक कार्यों में एक अलग चीज प्रस्तुत करें। चलिए और कमेंट करके बताइए आप मुझे कि आपको ये कविता कैसी लगी। मैं आज जस प्रकाश पटेल कक्षा 5 में डी में से आपके सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ जिसका नाम है भारत की ललकार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब एक ही तिरंगा लहराएगा। ललकार शेरों के सुनकर गद्दार ना कोई बच पाएगा, गद्दार ना कोई बच पाएगा। भारत को खंडित करने की साजिश अब तुम छोड़ दो, अपने आतंकी मजबूरों से खुद ही नाता तोड़ लो, खुद ही नाता तोड़ लो। अपना भारत घाट जाएगा, घाट पे पति घात करेगा। बोल जो दुश्मन समझेगा उसमें ही अब बात करेगा, उसमें ही अब बात करेगा। सावन में जब तांडव देगा, शिव का जब त्रियंत्र खुलेगा तो क्या होगा। नवरात्रों में माँ दुर्गा का त्रिशूल चलेगा तो क्या होगा, त्रिशूल चलेगा तो क्या होगा। भारत वापस पुराना दौर होगा, भारत विश्व का सिरमौर होगा। हर स्वतंत्रता दिवस का कृति मंजर नजारा कुछ और होगा, कृति मंजर नजारा कुछ और।